हेलो एवरीवन मैं हूं काजल और हम पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर फॉर एमएससी एंड स्टेट लेवल एग्जामिनेशन ये हॉर्टिकल्चर का लेक्चर टू है लेक्चर वन हमने कवर कर लिया है जिसमें हमने बेसिक हॉर्टिकल्चर पढ़ा है हॉर्टिकल्चर क्या होता है किस वर्ड से डिराइव होता है और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस क्या है हॉर्टिकल्चर के वो हमने कवर कर लिया है आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा लेक्चर नंबर टू है जिसमें हम हॉर्टिकल्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ ऑर्चार्ड ठीक है ऑर्चार्ड का प्लानिंग और लेआउट कैसे हम करते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है तो आपको ऑर्चार्ड का मतलब तो पता ही होगा फ्रूट का जो गार्डन होता है उसको हम ऑर्चार्ड कहते हैं ठीक है उसका हम प्लानिंग और लेआउट कैसे मान लीजिए हमें कोई गार्डन बनाना है तो उसका हम प्लानिंग कैसे बनाएंगे उसका लेआउट डिजाइन कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्चर्ड किसे कहते हैं वॉट इज एन ऑर्चर्ड एन इनक्लोज एरिया वेयर डिफरेंट फ्रूट्स क्रॉप हैव बीन प्लांटेड ठीक है ये एक इनक्लोज एरिया होता है मतलब कि एक बाउंड्री किया हुआ या फिर फेंसिंग किया हुआ एरिया होता है क्लोज एरिया होता है जहां पे हम क्या करते हैं फ्रूट क्रॉप्स को ग्रो करते हैं इन एंड ऑर्डरली मैनर एंड आर मैनेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सक्सेसिव इल्ड फॉर क्रॉप ठीक फॉर इकोनॉमी यहाँ पे इकोनॉमी लिखा हुआ है ठीक है तो इसको हम एक पर्टिकुलर मैनर में लगाते हैं ताकि हम उससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ले सके ठीक है उसी को हम ऑर्चार्ड कहते हैं बेसिकली ऑर्चार्ड एक प्लेस है एक क्लोज एरिया है जहां पे हम क्या करने वाले है फ्रूट का प्लांटेशन करने वाले है एक स्पेसिफिक मैनर में एक ऑर्डरली मैनर में ठीक है ताकि हमारे हमें ज्यादा से ज्यादा इल्ड मिल सके उसी को हम ऑर्चार्ड कहते हैं बात करेंगे फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड अब हम ऑर्चर्ड लगाने से पहले प्लान बनाएंगे ना कि हमें कैसा शेप में करना है उसका साइट कहाँ चूज करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम ऑर्चर्ड का प्लानिंग करते हैं ठीक है थीके? तो क्या फैक्टर्स होना चाहिए एक सक्सेसफुल ऑर्चर्ड को ग्रो करने के लिए तो पहले हम डिस्कस करेंगे लोकेशन एंड साइट कैसा लोकेशन होना चाहिए तो लोकेशन जो है वो ऑलरेडी इस्टैब्लिश्ड फूड फ्रूट बेल्ट ठीक है पहले से वो एरिया एकदम इस्टैब्लिश होना चाहिए फ्रूट प्रोडक्शन के लिए फ्रूट बेल्ट के लिए ठीक है उसके बाद है कनेक्टिविटी बाय रोड और रेल जैसे कि मान लीजिए आपको फिर वहां पे ऑचर पे जाना है तो आपका सुविधा होना चाहिए ना कि आप कैसे वहां पे पहुंचेंगे ठीक है तो वही बोल रहा है कनेक्टिविटी बाय रोड रोड या फिर ट्रेन से आप रेल से वहां पे ईजिली पहुंच सकें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट इज एवेबिलिटी ऑफ लेबर लेबर का एवेबिलिटी होना बहुत जरूरी है क्योंकि काम तो आखिर लेबर ही करेंगे ना इसीलिए ठीक है नॉट इन हॉटस्पॉट एरिया ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस जहां पे पेस्ट और डिजीज है वहां से दूर होना चाहिए ठीक है क्योंकि आपका प्लांट अफेक्टेड हो जाएगा पेस्ट और डिजीज से तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा ठीक है तो आपका हॉटस्पॉट एरिया मतलब कि जहां पे आपका बहुत ज्यादा डिजीज इन्फेस्टेशन हो रहा है वहां से वो एरिया दूर होना चाहिए अवे फ्रॉम इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से भी दूर होना चाहिए क्योंकि वहां पर आपका पॉल्यूशन वगैरह भी बहुत होता है इंडस्ट्रियल से उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं तो वो भी आपके प्लांट को हार्म पहुंचा सकते हैं नुकसान कर सकते हैं ठीक है फिर बोल रहा है नॉट अ विंड बॉर्न विंड एरिया ठीक है मतलब विंड प्रोन एरिया नहीं होना चाहिए जहां पे हाईली विंड विंड आता है विंड वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे नहीं होना चाहिए ठीक है विंड वेलोसिटी जो है वो क्रॉप के लिए फोर टू सिक्स किलोमीटर पर आवर का जो विंड है वही सिर्फ सुटेबल माना जाता है अगर इससे ज्यादा तेज हो गया विंड तो वो हमारे प्लांट के लिए सुटेबल नहीं होगा ठीक है ये तो ये सारे क्राइटेरिया थे हमारे ऑर्चर्ड को स्टैब्लिश करने के लिए जो हम प्लानिंग बनाएंगे वो सारा यहाँ पे पॉइंट्स है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स फॉर सक्सेसफुल प्लानिंग ऑफ ऑर्चार्ड अगर हमको एक सक्सेसफुल ऑर्चार्ड करना है तो उसके लिए क्या क्या फैक्टर्स में रखना होगा तो सबसे पहले वहां का सॉइल जो है वो फर्टाइल होना चाहिए डीप एंड वेल ड्रेन्ड होना चाहिए वॉटर लॉगिंग कंडीशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए इरेशन अच्छा होना चाहिए रूट जोन अच्छा होना चाहिए वहां का पीएच और मॉइस्चर रिटेंशन है वो भी हमारा अच्छा होना चाहिए कुल cool मिला आपको वेल well ड्रेन्ड गुड सॉइल चाहिए आपका ऑर्चर्ड प्लानिंग के लिए ठीक है क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट आपका क्लाइमेट आपका वॉर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ठीक है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ना ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा ठंडा होना चाहिए ठीक है वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बेस्ट माना जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट है प्लानिंग ठीक है प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट है टेन परसेंट ऑफ द टोटल एरिया इज लेफ्ट असाइड फॉर बिल्डिंग रोड पाथ ट्यूब वेल एक्सेट्रा मान लीजिए आप ऑर्चर्ड इस्टेब्लिश कर रहे हैं तो ऑर्चर्ड के, के लिए आपको यहाँ पे बिल्डिंग रोड वगैरह भी तो चाहिए ना पाथ के लिए आप जगह छोड़ोगे रोड के लिए जगह छोड़ोगे बिल्डिंग्स है उसके लिए अलग छो, अलग से छोड़ोगे अगर आपको प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको स्टोरेज हाउस का भी नीड होगा ठीक है तो स्टोरेज हाउस भी बनाओगे पैकेजिंग हाउस बनाओगे ठीक है तो इन सब का अलग से आपका एरिया होना चाहिए ऑर्चर्ड में ठीक है तो वही बोल रहा है कि टेन परसेंट जो होर्चर्ड का जो टेन परसेंट एरिया है उसमें आपको क्या करना है आप टेन आप परसेंट इन्हीं चीजों के लिए छोड़ोगे जिसमें आप बिल्डिंग बनाओगे स्टोरेज रूम बनाओगे पैकेजिंग रूम बनाओगे ठीक है तो ये सारा आपका टेन एरिया होगा टोटल ऑर्चार्ड का ठीक है

बहुत ही बहुत जरूरी है ठीक है तो ये सारे पॉइंट थे प्लानिंग में नेक्स्ट है, है हमारा फेंसिंग ठीक है फेंसिंग तो होना ही चाहिए वरना देखिए जानवर आके आपके फ्रूट्स को खा सकता है ठीक है तो फेंसिंग होना चाहिए आप ये तार से कीजिए या आप दीवार से कीजिए लेकिन फेंसिंग होना बहुत जरूरी है विंड ब्रेक ठीक है जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है विंड ब्रेक लगा हुआ है ना आपका मान लीजिए यहाँ पे क्रॉप है तो आप साइड साइड पर ट्रीज को लगा दीजिए ताकि वो आपकी विंड को विंड के डायरेक्शन को दूर कर सके मतलब कि डाइवर्ट कर सके ताकि आपका प्लांट जो है वो बचा रहे ठीक है प्लांटिंग ऑफ टॉल ट्रीज अलोंग दी बाउंड्री ऑफ ऑचार्ड मस्ट बी 2.5 पॉइंट फाइव फीट और हायर ठीक है कम से कम दो फीट ढाई फीट से ज्यादा ही होना चाहिए उसका हाइट ठीक है ताकि वो क्या करे विंड को डायरेक्शन को चेंज कर सके ठीक है तो विंड ब्रेक लगाना बहुत जरूरी है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग मतलब कि आपको फिर आप फेंसिंग वगैरह कर लिए तो अब बारी है प्लांट लगाने का तो आप क्या लेआउट किस तरीके से प्लांट uh, को लगाना चाहते हैं तो उसे हम लेआउट कहते हैं ठीक है थीके? तो चलिए अब लेआउट डिस्कस करते हैं विंड ब्रेक मैंने आपको बता दिया नॉर्थ वेस्ट साइड ऑफ ऑर्चर्ड टू टू थ्री ईयर बिफोर प्लांटिंग ट्रीज ठीक है हम क्या करते हैं कि विंड ब्रेक को नॉर्थ वेस्टर्न साइड लगाते हैं ठीक है नॉर्थ से वेस्टर्न साइड उसका फेस होना चाहिए ऑर्चर्ड का दो दो से तीन साल पहले लगाते हैं ट्रीज के मान लीजिए आज आप, आप ट्रीज लगा रहे हैं तो आपको जो विंड uh, ब्रेक्स होगा विंड ब्रेक्स वाले जो ट्री होंगे उसको दो या तीन साल पहले लगाना होगा ताकि वो कुछ हाइट तक ग्रो हो जाए तभी तो वो विंड को डाइवर्ट करेगा ना तो दो या तीन साल पहले आपको विंड ब्रेक्स लगा लेना है ठीक है फाइव मीटर इंटरवल बिटवीन टू रोज ट्रीज दो अगर रो आपका कर रहे हैं तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका पांच मीटर का होना चाहिए ठीक है पांच मीटर का दो रोज के बीच में डिफरेंस होना चाहिए ठीक है डिस्टेंस होना चाहिए कन्वर्ट विंडवर्ड साइड इन लीवर्ड साइड रिड्यूज वेलेसिटी ऑफ विंड मान लीजिए एक माउंटेन है तो माउंटेन के इस साइड से मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रहा है ठीक है आपने वाटर साइकिल तो पढ़ा ही होगा वाटर साइकिल में क्या होता है वाटर इवोपरेट होता है इवोपरेट होकर ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करता है ठीक है तो क्लाउड का फॉर्मेशन करता है तो उसी तरीके से अगर इधर से हमारा बहुत तेज विंड आएगा तो वो क्या करेगा अपने साथ क्लाउड्स को भी लेके आएगा ठीक है तो क्लाउड्स को लेके आएगा तो ये जब माउंटेन से टकराएगा तो क्या होगा वहीं पे बारिश होगा ना बहुत तेज ठीक है तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश होता है जिसको हम लिवाड कहते हैं लीवार्ड साइड ठीक है लीवार्ड साइड सॉरी लीवार्ड साइड नहीं कहते, है, कहते हैं एक सेकेंड यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ मैंने कहा कि इधर से बहुत तेज हवा आएगा तो वो क्या करेगा अपने साथ क्लाउड को लेके आएगा ठीक है क्लाउड को लेके आएगा और तो वो जैसे ही माउंटेन से टकराएगा तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश होगी ठीक है जिसको हम विंडवाड़ साइड कहते हैं उसके बाद जब ये यह यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश कर देगा पूरा अपना बारिश हो जाएगा तो क्लाउड फिर हल्का हो जाएगा ठीक है उसके बाद फिर जब इधर वो पार होगा माउंटेन के इस साइड तो इस साइड कोई कुछ भी पानी उसके पास बचा ही नहीं है तो यहाँ पे बारिश नहीं होगा ठीक है तो इधर बहुत ज्यादा हरियाली होती है ग्रीनरी बहुत ज्यादा होता है यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया भी बहुत ज्यादा है या फिर आपका प्लांट भी बहुत ज्यादा होता है विंडवाड़ साइड ठीक है लेकिन लीवार साइड सूखा रहता है यहाँ पे डेजर्ट रहता है यहाँ पे कोई भी प्लांट नहीं आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो विंडवाड़ साइड बहुत ज्यादा बारिश होता है लीवर्ड साइड बहुत कम बारिश होता है तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा विंड का वेलोसिटी भी बहुत तेज था बाद में क्या हुआ वेलोसिटी ऑफ विंड रिड्यूज हो गया इधर पे लीवर्ड साइड पे विंड का वेलोसिटी रिड्यूज हो गया ठीक है तो यही बोल रहा है कि विंडवाड जो विंड ब्रेक है विंड ब्रेक यही विंड ब्रेक का ही काम किया ना ऐसे ही ट्री होगा तो ट्री से जब टकराएगा तो क्या करेगा उसका वेलिसिटी विंड के वेलिसिटी को कम कर देगा ठीक है तो यही विंड ब्रेक का काम होता है डायरेक्शन को विंड के स्पीड को बहुत कम कर देता है ठीक है मेंटेन फेवरेबल माइक्रो क्लाइमेट इन ऑर्चार्ड हमें क्या करना है कि ऑर्चार्ड में माइक्रो क्लाइमेट का भी मेंटेन करना है ठीक है मतलब कि जो वो क्रॉप के लिए नेसेसरी है क्लाइमेट वही क्लाइमेट हमें फेवरेबल वहां पे अवेलेबल करवाना है ठीक है प्रिवेंट्स ड्रॉपिंग ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स विंटर फ्रॉम कोल्ड वेव्स ठीक है तो ये कोल्ड वेव ठंडे के दिन में जब हमारा हवा चलेगा तो वो कोल्ड वेव ही होगा ना वो, वो हवा भी बहुत ठंडा होगा तो उससे हमें क्या करना है फ्रूट्स और फ्लावर को ड्रॉप होने से बचाना है ठीक है तो ये विंड ब्रेक्स का काम है जो आपको याद रखने हैं ठीक है देखिए यहाँ पे क्या है ये विंड ब्रेक्स है ना देखिए ऑर्चार्ड के चारों तरफ लगा हुआ है विंड ब्रेक्स ठीक है तो ये सारे क्या है विंड ब्रेक्स है जो कि हवा की स्पीड को क्या करेंगे कम करेंगे ठीक है देखिए इधर से विंड आ रहा है तो यहाँ पे हमारा फेंसिंग के रूप में लगा हुआ है विंड ब्रेक्स देख रहे हैं और ये ऑर्चार्ड है मान लीजिए हमारा तो ऑर्चार्ड में कुछ एरिया टेन परसेंट एरिया जो मैंने आपको बताया वो टेन परसेंट एरिया बिल्डिंग्स के लिए स्टोरेज हाउस के लिए पैकेजिंग हाउस के लिए तो ये सब के लिए टेन परसेंट एरिया छोड़ा जाता है पूरे ऑर्चर्ड का ठीक है अब हम बात करेंगे लेआउट लेआउट जो है इसमें हम डिफरेंट सिस्टम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम से हम ऑचार्ड को लगा सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर सिस्टम से ठीक है, है, तो है ये बहुत ज्यादा या बहुत कॉमन सिस्टम है जिससे ऑचार्ड को ग्रो किया जाता है ठीक है तो आपका स्क्वायर सिस्टम है ये बहुत पॉपुलर है बहुत पॉपुलर मैथड है बहुत ईजी भी है क्योंकि इसमें क्या है कि आपका देखिए रो टू रो और प्लान टू प्लान डिस्टेंस डिस्टेंस जो है वो सेम है ठीक है रो टू तो रो और प्लान टू प्लान जो डिस्टेंस है वो आपका सेम है इसीलिए इसको स्टैब्लिश करना है इसको फील्ड पे लेआउट को फील्ड पे uh, मतलब कि करना और चार्ट को ग्रो करना बहुत ही इजी होता है ठीक है तो ये पॉपुलर मेथड है ईजी मैथड बहुत कॉमन मेथड है लोग इसी को ज्यादा प्रीफर करते हैं ठीक है थीके? ये हमारा मोस्टली यूज किया जाता है कह सकते हैं वाइडली एडोप्टेड है तो ये स्क्वायर मेथड जो है बहुत कॉमन मेथड है लोग इसी को वाइडली यूज करते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट पे क्विंकस सिस्टम क्विंकस सिस्टम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्विंकस सिस्टम को हम डायगोनल सिस्टम भी कहते हैं क्या कहते हैं इसके और भी नाम है इसको हम डायगोनल सिस्टम भी कहते हैं और इसको हम फिलर फिलर सिस्टम भी कहते हैं या फिर फिलर मेथड भी कहते हैं ठीक है थीके? इसको फिलर मेथड भी कहते हैं फिलर मेथड क्यों कहते हैं मैं आपको बताती हूं ये जस्ट लाइक स्क्वायर होता है लेकिन बीच में एक फिलर प्लांट आ जाते हैं ठीक है जैसे कि आप देखिए ये स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है ना और इसमें एक बीच में प्लांट आ गया जिसको हम फिलर प्लांट कहते हैं इसको क्या कहते हैं फिलर प्लांट कहते हैं एक सेकेंड इसको हम फिलर प्लांट कहते हैं फिलर प्लांट ये क्विंकस मैथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इससे क्वेश्चन डायरेक्टली डायरेक्टली पूछा जाता है ठीक है पहले तो इसका नाम पूछ लेगा कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ क्विंकस सिस्टम तो डायगोनल सिस्टम भी कहते हैं फिलर मेथड भी कहते हैं ठीक है थीके? इसमें बीच में जो होता है वो फिलर प्लांट होता है और बाकी स्क्वायर सिस्टम की तरह ही है ठीक है इसमें हमारा स्क्वायर सिस्टम से टेन टेन मीटर सेकेंड एक, एक सेकेंड एक इसमें हमारा स्क्वायर मेथड से दुगना प्लांट ठीक है ऑलमोस्ट डबल प्लांट्स आ जाते हैं इसका जो प्लांट पॉपुलेशन होगा वो स्क्वायर सिस्टम से डबल होगा अप्रॉक्स ठीक है और अगर आपसे एक्यूरेट पूछे तो वन पॉइंट एट वन वन पॉइंट एट वन परसेंट जो है वो उसका आपका प्लांट ज्यादा होगा इसमें ठीक है मोर प्लांट होगा या ऑलमोस्ट डबल आप बोल दीजिए ठीक है और ये फिलर प्लांट जो होता है उससे जो आपका कॉर्नर प्लांट का जो डिस्टेंस होता है वो आपका टेन मीटर होना चाहिए टेन मीटर ठीक है अगर टेन मीटर से कम है तो क्या होगा आपका जो फिलर प्लांट है और आपका कॉर्नर वाला प्लांट है वो कॉन्साइड कर जाएगा ठीक है उसके ब्रांचेस भी फैलेंगे तो यहां पे आपका शेड हो सक शेड मिलेगा उसको तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा ठीक है तो इसीलिए हमें यहां पे फिलर प्लांट जो है उसका कॉर्नर प्लांट से डिस्टेंस कम से कम टेन मीटर का रखना होता है और जो फिलर प्लांट हम लगाते हैं वो हमारा अर्ली ग्रोइंग या फिर अर्ली मेच्योरिटी वाला क्रॉप्स लगाते हैं ठीक है थीके? ताकि हमारा क्या हो जब कॉर्नर वाला प्लांट बड़ा होने तक हमारा बीच वाला प्लांट जो है वो उसका हार्वेस्टिंग हम कर लें ठीक है तो इसीलिए हमें इस, इस शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप इसमें लगाना चाहिए जैसे कि पपाया बनाना ठीक है ये सब लगाते हैं हम मेनली तो इससे क्या होता है इससे हमारा प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा ठीक है इससे हमारा एडिशनल इनकम होता है प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा ठीक है क्योंकि स्क्वायर में तो हम सिर्फ स्क्वायर पे लगा रहे थे इसमें हर पे बीच वाला प्लांट फिलअप प्लांट आ गया तो इससे हमारा क्या होगा एडिशनल इनकम हमारा जनरेट होता है तो मान मतलब लीजिए हमारा कोई क्रॉप फेलियर भी होता है तो इससे क्या होगा हमारा इससे हमारा इनकम कम से कम बना रहेगा ठीक है तो ये क्विंकस सिस्टम था नेक्स्ट है हमारा ट्रायंगुलर सिस्टम ठीक है ट्रायंगुलर सिस्टम एंड सिस्टम तो आप देख ही रहे होंगे ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो ऐसे ट्राएंगल का फॉर्मेशन करता है उसी को हम ट्रैंगुलर सिस्टम कहते हैं ठीक है थीके? इसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज किया जाता है इसमें बहुत ज़्यादा प्लांट होता है ठीक तो है तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम स्क्वायर सिस्टम से ज़्यादा प्लांट यहाँ पे आते हैं ठीक है थीके? ये हमारा मेनली मैंगो का जो फेमस वेराइटी है जिसको हम आम्रपाली वेराइटी कहते हैं मैंगो का आम्रपाली जो वेराइटी है उसमें मेनली ये किया जाता है ठीक है और ये हमारा आइसोलेटरल ट्राइंगल आइसोलेटरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है ठीक है ये हमारा आइसोलेटरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है आइसोलेटर का मतलब है कि यहाँ तो पे देखिए हर साइड इसका इक्वल है ठीक है तो ये आइसोलेटरल प्रिंसिपल पे वर्क करता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर सिस्टम तो रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या है कि यहां पर हमारा रो टू रो जो प्लांट का डिस्टेंस है वो हमारा ज्यादा होता है रो टू रो का डिस्टेंस ज्यादा होता है प्लांट टू प्लांट के डिस्टेंस से ठीक है थीके? ये हमारा अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें क्योंकि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम है तो इसको हम अनइवेंट डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और यहां पे हमारा स्क्वायर से ज्यादा प्लांट आता है ठीक है स्क्वायर के कंपेरिजन यहां पे ज्यादा प्लांट एकोमोडेट होते हैं ठीक है थीके? नेक्स्ट हम बात करेंगे हेक्सागोनल सिस्टम जिसको हम सेप्यूल भी कहते हैं हेक्सागोनल को हम सेप्यूल भी कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है हेक्सागोनल हेक्सा का मतलब होता है सिक्स ठीक है सिक्स सिक्स होता है हेक्सागोनल मैथ मतलब तो यहाँ पे सिक्स इक्विलेटर ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता है ठीक है यहाँ पे जैसे देखिए इसको ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन करेंगे इसको ज्वाइन इसको करेंगे अब काउंट कीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक है तो सिक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब है कि सारा साइड्स इक्वल होगा ट्राइंगल का ठीक है तो यहाँ पे छह ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इसलिए इसको हम हेक्सागोनल मेथड कहते हैं ठीक है यहाँ पे आपका 15 परसेंट मोर प्लांट एकोमोडेट होता है मतलब कि आपका स्क्वायर मेथड के कंपेरिजन 15 प्लांट इसमें ज्यादा लगते हैं ठीक है 15 परसेंट प्लांट ज्यादा लगते हैं वन हेक्टेयर में ठीक है इसको हम इंटेंस मेथड कहते हैं इंटेंस मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्लांट आ जाते हैं ठीक है थीके? आप देख रहे हैं ना पंद्रह परसेंट ज्यादा है मतलब कि बहुत ज्यादा है ठीक है तो इसको इंटेंस प्लांटिंग कहते हैं इंटेंस मेथड कहते हैं इसको लेआउट पे करना तो आसान है लेकिन इसको ऑर्चार्ड में करना बहुत ही डिफिकल्ट डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है लेकिन अगर आपको जितना आसान यहाँ दिख रहा है पेपर पे उतना आसान नहीं है इसको ऑर्चार्ड में जब करने जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट होता है इसको मैनेज करना या फिर इसको प्लांट करना ठीक है तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डायर डायर पूछा, पूछता है कि स्क्वायर मैथड कंपेरिजन कितना ज्यादा प्लांट यहाँ पे एकमोडेट होता है ठीक है तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आपको याद रखना है ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटूर सिस्टम कंटूर सिस्टम का हम, हम कहा करते हैं तो मेनली कंटूर सिस्टम जो है वो हम हिली एरियाज में कर, करते हैं ठीक है हिली एरियाज में करते हैं या फिर कह सकते हैं कि अंडुलेटेड लैंड में करते हैं ठीक है आप यहां पे देखिए ये आपका हिली एरियाज है और ये लैंड भी क्या है अनडुलेटेड है ठीक है ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़ लैंड है ठीक है तो यहां पे यूनिफॉर्म डिस्टेंस तो होता नहीं है प्लांट के प्लांट का डिस्टेंस भी अलग होगा ठीक है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है प्लांट का यहां पे लैंड लैंड इरोजन का प्रॉब्लम होता है ठीक है यहां पे लैंड स्लाइड भी बहुत ज्यादा आता है मान लीजिए बारिश होगा तो बारिश का पानी ऐसे बहने लगेगा और फिर यहाँ पे ही वो स्टोर होता है बारिश का ठीक है तो इसे क्या करता है कि ये प्लांट जो है वो अपने एरिया को आसपास के एरिया को क्या करता है बाउंड करके रखता है ठीक है तो ये इरोजन को भी कंट्रोल करता है मॉइस्चर को भी कंजर्व करता है ठीक है तो ये आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो हिली एरियाज में किया जाता है ठीक है नेक्स्ट है टेरिस सिस्टम टेरिस सिस्टम जो है वो जस्ट लाइक कंटूट फार्मिंग ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें जो होगा आपका ये भी आपका माउंटेन एरिया में एरिया में ही किया जाएगा लेकिन इसमें टेरिस मतलब कि सीढ़ी के समान आपको दिखेगा ठीक है आ देखिए ये सीढ़ी के समान आपको दिख रहा है ना ऐसे तो टेरिस फार्मिंग में क्या किया जाता है माउंटेन की तरह माउंटेन की, की तरह होता है माउंटेन भी किया जाता है और आपको यहाँ पे सीढ़ी जैसा दिखेगा ठीक है स्लोपी एरिया पे किया जाता है तो उसी को हम टेरिस सिस्टम कहते हैं ठीक है थीके? यहाँ पे आपको मैंने टेबल के फॉर्म में आ, इनलिस्ट कर दिया है सारे सिस्टम को एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं तो पहला हमने पढ़ा स्क्वायर सिस्टम स्क्वायर सिस्टम जो है ये इजी पॉपुलर मेथड है कॉमन मेथड है मैंने बता दिया आपको वाइडली इसी को लोग अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये लेआउट और प्लस इसको औचड़ पे बनाना बहुत ईजी होता है ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ा क्विंकस सिस्टम क्विंकस सिस्टम में मैंने आपको बताया कि एक एडिशनल प्लांट आ जाता है सेंटर में जिसको हम फिलर प्लांट कह रहे थे ठीक है इसमें 1.8 टाइम्स मोर देन स्क्वायर सिस्टम मैंने बताया ना 1.81 अगर आपसे एक्यूरेट पूछा जाए तो 1.81 टाइम्स मोर प्लांट आ जाते हैं एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम ठीक है लेकिन अगर अप्रोक्स लिखे तो अप्रोक्स डबल भी कह सकते हैं आपके दो गुना प्लांट इसमें होता है ठीक है ट्राइंगर सिस्टम मैंने मैंने आपको बता दिया इसमें इलेवन लेस देन स्क्वायर स्क्वायर सिस्टम से इसमें इलेवन लेस प्लांट आते हैं ठीक है थीके? लेकिन ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेनली आम्रपाली मैंगो की जो आम्रपाली वेराइटी है उसमें इसको यूज किया जाता है हाई डेंसिटी प्लांटिंग में ठीक है नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर सिस्टम रेक्टेंगुलर सिस्टम में मोर प्लांट्स आ जाते हैं रोज में ठीक है स्क्वायर से ज्यादा प्लांट्स होते हैं इसमें हेक्सागोनल सिस्टम जिसको हम सेप्यूल भी कहते हैं इसमें 15 परसेंट मोर प्लांट आते हैं स्क्वायर सिस्टम से ये जितने भी नंबर वाले डेटा है ना इनको पूछा जाता है डायरेक्टली तो ये आपको याद रखने हैं ठीक है हेक्सागोनल सिस्टम में फिफ्टी परसेंट मोर देन प्लांट आएंगे स्क्वायर के कम्पेरिजन कंटूर सिस्टम हिली एरियाज में किया जाता है जहां पे लैंड अनुलेटेड हो वहां किया जाता है टेरेस सिस्टम हिल्स और माउंटेन में किया जाता है बाई प्लांटिंग ऑन टेरे ऑन द स्लोप ठीक है स्लोप पे टेरेस मतलब सीढ़ी के टाइप के बना दिया जाता है ठीक है मिडो डो और चार्डिंग मैंने आपको पिछले क्लास में क्वेश्चन भी करवाया था मिडो और चार्डिंग जो गोवा में मेनली किया जाता है जिसमें हाई डेंसिटी प्लांटेशन होता है ठीक है कम डिस्टेंस पे ज्यादा प्लांट को एकोमोडेट किया जाता है तो उसको हम हाई डेंसिटी अल्ट्रा हाई डेंसिटी मिडो और चार्डिंग में अल्ट्रा हाई डेंसिटी एक होता है हाई डेंसिटी जिसमें कि प्लांट का पॉपुलेशन ज्यादा होगा लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी में उससे भी ज्यादा हाई डेंसिटी से भी ज्यादा प्लांटेशन आते हैं हमारे ठीक है तो मिडो और स्टार्टिंग गुआवा में किया जाता है जिसमें हर अल्ट्रा हाई प्लांट डेंसिटी होते हैं ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांटिंग डिस्टेंस तो यहां पे कुछ क्रॉप्स लिखे हुए हैं जिनका प्लांटिंग डिस्टेंस दिया हुआ है ठीक है पाइनएप्पल का होता है थर्टी टू सिक्सटीन टू नाइनटी ठीक है बनाना पपाया ग्रेप्स का होता है वन पॉइंट एट टू टू मीटर थ्री मीटर और वन पॉइंट एट टू टू पॉइंट थ्री मीटर ठीक है ये हाइट ब्रेथ लेंथ आपका दिया हुआ है ठीक है पोमीग्रेनेट में थ्री पॉइंट फाइव मीटर थ्री पॉइंट फाइव मीटर डेट पाम फिग लेमन लाइम गुआवा में सिक्स मीटर इंटू सिक्स मीटर एप्पल में फाइव टू सिक्स मीटर या फाइव टू सिक्स मीटर मैंगो सपोटा लोक्वेट जामुन में एट मीटर एट मीटर जैक फ्रूट और ब्रेड फ्रूट में ट्वेल्व मीटर इंटू ट्वेल्व मीटर आपका जहां पे तीन दिया हुआ है उसका हमारा मतलब होता है कि आपका लेंथ ब्रेथ और आपका हाइट जो होगा मतलब जितना आप गड्ढा कर रहे हैं उसका यहां पे तीन दिया जाता है ठीक है और जहां पे दो ही दिया है इसका मतलब हाइट और breath, उसका लेंथ और ब्रेथ का बात किया गया है ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के ही मैंने आपको प्लांटिंग डिस्टेंस दिया है जिससे क्वेश्चन पूछा गया है तो उसी से दिया गया है यहां पे ठीक है तो आज के लिए इतना ही आज हमने पढ़ा हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा पहले कि लेआउट कैसे किसे कहते हैं प्लानिंग कैसे करते हैं हम औच का और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम जो है हमारा लेआउट का वो हमने पढ़ा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग